आपका होस्ट फारूक हुसैन। आज हम एक नया घर आपके लिए लेकर आए हैं। ये बिल्कुल तोहफा है घर, 10 मरले का 65-35 साइज है इसका घर का। ये ग्रे स्ट्रक्चर है। बहुत से लोग हमें कहते थे कि जी हमें हम अपनी मर्जी से घर बनाना चाहते हैं। बाज़ वही होता है कि घरों के अंदर जो है वो मटीरियल अच्छा नहीं लगा होता है। बाज़ वही होता है कि महंगा मटीरियल लगा होता है, लोग हल्का मटीरियल लगाना चाहते हैं। ये बाज़ लोग जो है वो उनके बजट से 10 मरले का घर आउट जा रहा है। ये एक ग्रे स्ट्रक्चर है, इससे इस घर में जो क्लाइंट है वो अपनी मर्जी के साथ पैसा लगा सकते हैं, एक पोर्शन तैयार कर सकते हैं, या ये पूरा तैयार करना हो तो अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस पर खर्चा करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये कर बना सकते हैं। ये आए मैं आपको इसका एक विजुअल टूर करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है जो कि मॉडर्न लाइंस के ऊपर इसका फ्रंट एलिवेशन बना हुआ है, और उसी तरीके से ये तमाम लाइंस के ऊपर, मॉडर्न लाइंस के ऊपर निशेज ये बाहर दीवार में आप देखें। और गेट इसका बहुत हैवी किस्म का गेट लगा हुआ है, क्योंकि ये कॉर्नर का प्लॉट है, तो इसलिए ये देखें साइड पर रोड है बहुत बड़ी, ये अलरहमान गार्डन से जो बाहर जाती है। इस साइड के ऊपर इसकी दीवार है जिसकी मतलब लाइट्स वगैरह इस्तेमाल होंगी, और सामने ग्लास की फेंस लगेगी, और ये इसका विकेट गेट है छोटा। तो आए मैं आपको इसका गराज दिखाता हूँ। बहुत बड़ा और स्पीशियस गराज है इसका, 2 गाड़ियों का इसका। ये गराज जो है ये 19.3 फीट का इसका गराज है। इस साइड के ऊपर इसकी 5 फुट गली है जो कि बैक साइड पे भी ओपन एरिया है, और इसी तरीके से इसके ड्राइंग रूम की 2 विंडो आ जाती हैं बहुत बड़ी। ये इसका ग्रीन एरिया है, बाउंड्री वॉल है, बहुत ऊंची हाइट पे है ये इस घर का। ये देखें गराज के ऊपर में निशेज बड़ी खूबसूरत बनी हुई है जहाँ पे लाइट्स वगैरह का लगेंगी, और ये इसकी घर की एंट्रेंस है। इस घर की खूबी ये है कि इसमें ये दरवाज़ा जो है ये बाहर एक मेन बहुत 8 फुट का दरवाज़ा है, और इसमें आगे जब हम जाते हैं तो ये लॉबी आ जाती है। लॉबी के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक टीवी लॉन्च में जाने के लिए और एक ड्राइंग रूम के लिए। टीवी लॉन्च का अगर दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो ये कट ऑफ हो, नीचे वाला पोर्शन हो जाता है, और ये स्टेयर केस है तो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल लैदा हो जाता है। ये इसके साथ एंट्रो के राइट साइड के ऊपर एक पाउडर रूम है छोटा सा, यहाँ वाटर फीचर्स के लिए ये जगह छोड़ी गई है कुछ, और इसके अंदर ये वैनिटी और ये पाउडर रूम बन जाएगा। अब मैं आपको इसका टीवी लॉन्च दिखाता हूँ। ये टीवी लॉन्च में हम एंट्रो गए। ये टीवी लॉन्च जो है इसका साइज 16x19 है। ये वाटर टैंक भी रखा हुआ है, बहुत खुला और स्पेशियस टीवी लॉन्च है। ये एल शेप में इसका साथ ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम भी काफ़ी खुला, इसमें दोनों बहुत अच्छी एरी ड्राइंग रूम है। इसमें विंडोज़ 2 साइड पे लगी हुई हैं। 17x12.5 का ये ड्राइंग रूम है। ये मैं आपको पीछे से इसका व्यू दिखाता हूँ, ड्राइंग रूम से टीवी लॉन्च और आगे सामने दोनों बेडरूम नज़र आ रही है। इसकी ये जो है RCC लेंटर है, बड़ा बेहतरीन साफ़ सुथरा लेंटर डाला हुआ है। इसके अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन है घर में वो तो बिल्कुल सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई है। इसमें मुगल स्प्रिंग 72 ग्रेड जो कि बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं वो स्टील इस्तेमाल हुआ है। ये इसका किचन है टीवी लॉन्च में, और बिल्कुल बंद और सेपरेट किचन है। यहाँ पर ग्लास का दरवाज़ा लग जाएगा। किचन के अंदर शेल्फ्स वगैरह जो हैं वो तमाम डली हुई हैं। 11x9.5 का ये किचन है जिसमें कि फूड हॉब और केबन्स वगैरह बेहतरीन, और सामने सिंक लग जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसके नीचे 2 बेडरूम हैं, बेडरूम दिखाता हूँ। 14x12 के दोनों बेडरूम हैं। ये देखिए बेडरूम, इसमें पीछे हवादार विंडो है। इसके साथ ये बाथरूम है, बाथरूम जो है वही मॉडर्न डिज़ाइन के साथ सेपरेशन दी हुई है, जिसमें शावर एरिया और वैनिटी वगैरह लग जाएगी। और ये इसके पीछे बैक साइड के ऊपर जो है ओपन एरिया आ जाता है, और यहाँ पे दूसरा मैं आपको इसका राइट साइड वाला बेडरूम दिखाता हूँ। उसका साइज़ भी 12x14 है, और उसके अंदर भी इसी तरीके से अटैच बाथरूम है। 5 बेडरूम का घर है, तमाम के साथ अटैच बाथरूम और स्पेशियस बाथरूम है। इसमें मॉडर्न डिज़ाइन के साथ कमोड और शावर एरिया की जगह, और तमाम कनेक्शन जो हैं सैनिटरी और बिजली के मुकम्मल हैं। ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है इसमें बाउंड्री वॉल, गेट और उसके बाद फर्श कच्चे और प्लास्टर वगैरह सारे किए हुए हैं। ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, ये नीचे था। अब हम आपको ऊपर का इसका पोर्शन दिखाते हैं। इस घर के अंदर जो है वो सैंड चनाव की इस्तेमाल की गई है प्लास्टरों के अंदर, जो कि बहुत ही मोटा दाना जिसका होता है और जिसमें मिट्टी नहीं होती, तो इसके ऊपर पेंट की सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये हम ऊपर आ गए हैं, ये सामने बिल्कुल देखें निश है ज़बरदस्त, यहाँ लाइट्स वगैरह होंगी। ये बाहर ओपन टेरेस है, यहाँ पे ग्लास की
जो है फेंस लग जाएगी, और यहाँ पे दोनों साइड पे क्योंकि कॉर्नर है तो दोनों साइड पे व्यू ज़बरदस्त है, मॉडर्न घर बने हुए हैं बिल्डर्स के, और ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। घरों की खरीदो फरोख्त यहाँ पे बहुत तेज़ है क्योंकि यहाँ पे पुरसकून और काम माहौल है। अब मैं आपको इसके बेडरूम दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तीन बेडरूम है इसके, जो नीचे वाले दो बेडरूम थे बिल्कुल उनके ऊपर दो बेडरूम, किचन के ऊपर किचन है, सेम साइज़ है किचन का जो नीचे था आपको दिखाया, टीवी लॉन्च का वही साइज़ है सेम, और दो बेडरूम है पीछे, और इन दोनों बेडरूम्स के साथ जो है अटैच बाथरूम है, उसी तरीके से उनकी सेपरेशन की गई है कमोड और शावर एरिया के लिए। और इस अब मैं आपको इसका राइट साइड वाला बेडरूम दिखाता हूँ, इसमें आयरन की चौगाट्स वगैरह लगी हुई हैं सारी, और ये इसका बाथरूम है, इस साइड वाला बाथरूम थोड़ा सा उसी साइज में बड़ा है, इसमें शावर एरिया केबन है, ये मास्टर बेडरूम और इसका मास्टर बाथ आ जाएगा। ये दो बेडरूम थे टीवी लॉन्च में से गुजर के सामने फ्रंट पे तीसरा बेडरूम है, और तीसरे बेडरूम में भी इसी तरीके से अटैच बाथरूम दिया गया है, और ये एक लंबाई में और साइज़ में बहुत अच्छा है, और इसमें वेंटिलेशन और सारी डक्ट्स वगैरह दिए हैं। ये तीसरे बेडरूम में कपबोर्ड की जगह यहाँ पे दी हुई है, तो इस तरीके से ये घर जो है पांच बेडरूम का घर बन जाता है। पूरे कनाल में जितने बेडरूम होते हैं पांचों दिए गए हैं। ये मैं आपको ऊपर अब छत पे विज़िट करवाता हूँ, ऊपर मोंटी है उसमें एक स्टोर एरिया थोड़ा सा बना हुआ है, और छत के ऊपर जो है वो एक बाथरूम अलग से, तो ये मोंटी के ऊपर एक स्टोर एरिया है छोटा सा एरिया, यहाँ पर दरवाज़ा और मोंटी, ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये सामने जो है ये बिल्कुल एक बाथरूम है, ये घर का सातवां बाथरूम है, पांच अटैच बाथरूम बेड्स के साथ, एक पाउडर और ये एक छत पे बाथरूम है, बाउंड्री वॉल सारी हुई है, और ये ऊपर छत के ऊपर मोंटी और उसमें लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। ये बिल्कुल घरों के अंदर मॉडर्न घर जो बने हुए हैं उनके अंदर एक ग्रे स्ट्रक्चर का घर है, कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से यहाँ पर हो रही है। तो ये मैंने पहले भी ऐसे अर्ज़ किया है कि लोग अपनी मर्ज़ी से घर ले कर उसमें अपने बजट के हिसाब से इस घर को रेनोवेट कर सक, इस घर को मुकम्मल फिनिश कर सकते हैं। मैं आपको इसका दोबारा वर्चुअल टूर करवाता हूँ ऊपर से छत से नीचे तक। ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है, सामने निशेज हैं, फ्रंट पे दो बेडरूम, साथ में किचन है, ये टीवी लॉन्च आ गया, ये इसका तीसरा बेडरूम है उसके साथ अटैच बाथरूम भी आ गया। इसके बाद हम नीचे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है उसी तरीके से दो बेडरूम थे, टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम। और इस घर की खूबसूरती यह है कि ये कॉर्नर का घर है, और इस घर के अंदर जो है मटेरियल तमाम ब्रिक्स जो है वो डायरेक्ट भट्ठे से अव्वल ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं, और मुगल स्प्रिंग का स्टील इस्तेमाल किया गया है। इस घर में किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन में कमी नहीं छोड़ी गई। अब ये मकान देखें फ्रंट के ऊपर जो है काफ़ी खुली और स्पेशियस यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ये ग्रीन एरिया बनेगा, और ये क्योंकि कॉर्नर है इसके दोनों साइड पे जो है वो ग्रीन एरिया बनाया जा सकता है। ये था जनाब इस घर का टूर। इस घर की प्राइस जो है वो 1,25,00,000 है। यहाँ पर प्लाट की जो प्राइस है वो हमने पता किया है, यहाँ पर प्लाट्स की प्राइस जो हैं वो 75,00,000 10 मरले के प्लॉट की प्राइस है। तो इस हिसाब से ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है ये बहुत मुनासिब कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है, और इसमें फिनिशिंग में ख़र्चा करने के बाद जो बिल्डर्स का घर बना हुआ था है उसे ये घर कहीं पे जो है वो चीप घर और सस्ता ऑनर को पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको इसकी साइड वाली गली भी दिखाता हूँ, ये तमाम ड्रेनेज वगैरह भी पड़ी हुई है, और इसमें सिर्फ अभी जो काम है वो वायरिंग और सीलिंग का काम स्टार्ट होगा, उसके बाद टाइल्स लगेंगी दरवाजे और कमोड वगैरह, और आज वो उसका अपने बजट के हिसाब से कस्टमर जो है वो उस पर ख़र्चा करके अपना घर बना सकता है। तो ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त घर हमारी नज़र से गुजरा था, तो इसलिए हमने आपको ये इसका व्लॉग बना के सेंड किया है। अगले व्लॉग तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।